है नहीं, तो बस मम्मी आप टेस्ट करो बताओ कि फ्राई कैसे किया मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठी थी 7 बजे और फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, पूरा घर को अच्छे से साफ कर दिया है और अब और भाई को जाना है कॉलेज, तो उसके लिए मैंने ब्रेड को सेका है और चाय बना दिया है। और यहाँ मम्मी किचन में कुछ नाश्ता बना रही है, अभी तो मम्मी बात करनी है फ़ोन पे, इसके बाद मम्मी एक स्पेशल नाश्ता बना रही है, तो मैं बताती हूँ कि मम्मी क्या बना रही हैं। ठीक है, तो आइए बने रहिए मेरे साथ। मम्मी आज का ब्रेकफास्ट मम्मी बना रही हैं। तो मम्मी ने क्या किया था, कल रात में चावल बच गया था, आई थिंक शायद आधी कटोरी या एक कटोरी बच गया था, तो मम्मी ने उसे, तो पका हुआ जो चावल था उसे मम्मी ने ग्राइंड कर लिया, अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। फिर उसके बाद इसमें मम्मी ने सूजी डाला, जितना चावल था उसके अकॉर्डिंग मम्मी ने थोड़ी सी सूजी डाल दी है, जिससे अच्छे से इसका एक डो तैयार हो जाए। तो सूजी के साथ साथ मम्मी ने इसमें, आप इसमें इनो या मीठा सोडा भी डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक डाल के इसका एक डो बना लेना है। डो बनाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हमें रखना है इस वजह से क्योंकि हमने सूजी डाला है तो वो फूलेगी, अगर बहुत ज़्यादा टाइट बनेगा तो इससे क्या होता है, इसके हम बॉल्स बनाने वाले हैं तो हमारे बॉल्स अच्छे बनेंगे और गीले से नहीं होंगे। तो जब तक ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है तब तक मम्मी ने यहाँ पे क्या किया, तो मम्मी ने भगोने में पानी रखा है, फिर उसके ऊपर वो छेद वाली छन्नी आती है, ये वाली छन्नी है और इसके नीचे भगोने के अंदर पानी है, और जब ये बॉयल हो जाएगा पानी तो इसमें अपने बॉल्स बना के एक प्लेट से कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे मम्मी इसे रोल बना रही है, आप चाहो तो इसके बॉल्स भी बना सकते हो, रोल्स भी बना सकते हो, तो मम्मी यहाँ पे रोल्स बना रही हैं। तो मम्मी ने एक थाली लिया है, उसे पहले तेल लगा दिया उस पर, फिर ऐसे रोल कर दिया, अगर बिना तेल के करते तो चिपकने लगता, और फिर पानी भी हमारे उबल गए हैं तो इसमें हमने जो रोल बनाया था एक एक करके उसमें डाल देंगे। इसकी फुल वीडियो में पे इतने रोल बन गए हैं, अब हम स्टीम कर देंगे 12 से 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टूथपिक लिया है, उसे चेक कर लिया और इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो इट्स मीन्स ये प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद क्या करना है, इसे हमें कट कर लेना है, इसे अब हम ऐसे कट कर लेंगे, साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप कर सकते हो, देख सकते हो कितने स्पंजी से बना हुआ है, तो ऐसे सभी रोल्स को कट कर। कढ़ाई लिया है, अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे, जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून के आसपास राई डाल देंगे, फिर हरी मिर्ची डाल देंगे और फिर प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे और अच्छे से इसे कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसे एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए बस उतना ही करना है। फिर हम इसमें एक बेसिक मसाला डालेंगे, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और यहाँ पे एक मसाला मैंने मैगी मसाला ऐड किया है, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो ना, स्किप भी कर सकते हो। फिर मसाले को कुक कर लेंगे और फिर जो रोल्स को कट किया था हमने उसे डाल के अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे, फिर ऊपर से हम धनिया पत्ती डाल देंगे। तो देखिए हमारा बनके तैयार है, फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। अब ये मम्मी को दूंगी सबसे पहले, तो अब मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी को कैसा लगा, ये मम्मी की ही डिश है, अब मैं मम्मी को ही टेस्ट कराऊंगी। मम्मी ने बस मम्मी रोल बनाया था और बाकी का तो मैंने किया है, मम्मी तो कुछ बोलेंगी है नहीं, तो बस मम्मी आप टेस्ट करो बताओ फ्राई कैसे किया है मैंने। फ्राई कैसे किया है? हाँ कभी बनाया तो आपने कैसे बनाया? अच्छा है, तो मेरी बनाई हुई हर डिश मम्मी को अच्छी लगती है, तो अब मम्मी को भी मैंने नाश्ता दे दिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी बना हुआ है। तो नाश्ता करने के बाद एक और पार्सल आ जाता है, तो इसे भी खोल के देखती आखिर इसमें है क्या। तो मम्मी ने कुछ ऑर्डर किया था, दीपावली आ रही है तो उसी की तैयारियां अभी से चलने लगी है, तो यहाँ पे पैकेजिंग बहुत अच्छी हो रखी थी तो खोलने बहुत टाइम लग रहा था, तो फाइनली ये खुल गया। तो मंगाया था माता जी का पैर, लेकिन जैसे फोटो में दिखाया था बहुत बड़ा,
बहुत छोटा सा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। प्यारा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है। प्यारा लग रहा है इसलिए मैं रख ले रही हूँ, वरना इसे मैं रिटर्न करने वाली थी। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया है। अब यहाँ पे मेरा सेकंड भी पार्सल आ जाता है जो कि मेरा नहीं है, ये मम्मी का है। मम्मी ने अपने लिए कुर्ता सेट ऑर्डर किया था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। देखने में तो बहुत अच्छा था, बहुत कलरफुल था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये सिल्क कपड़े में है और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। तो ये देखिए इसका कुर्ता, देख रहे हो कितना कलरफुल है और कितना शाइन कर रहा है। ऊपर डिज़ाइन है और नीचे पूरा प्रिंटेड है, तो ये बहुत ही सुंदर था। अगर आपको लेना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये हाथ पे जो इसका बाजू है, इसके इस पर प्रिंट बना हुआ, नीचे की तरफ लेस लगा हुआ, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये सिर्फ़ 1,006 रुपये का है। और इसका जो दुपट्टा है उसमें भी पूरा प्रिंटेड वर्क है और साइड साइड से लेस लगा हुआ है। और ये बहुत लंबा दुपट्टा है तो ये काफ़ी अच्छा है। जो उसकी पैंट भी दी है, इसकी इलास्टिक भी बहुत अच्छी थी। तो ये मम्मी के लिए मैंने मंगाया था 2XL साइज़ में। तो ऑर्डर करने के बाद आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आज थी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब। तो हमने आज सोचा चलो बाहर से ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिली पनीर मंगाया था, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और मम्मी को लिट्टी चोखा खाना था तो मम्मी के लिए लिट्टी चोखा मंगाया गया। और भाई को खाना था बिरयानी और रोल, तो उनके लिए वो मंगाया गया। तो इस वजह से आज खाना नहीं बना है। तो सबने थोड़ा थोड़ा सब वैरायटी का, तो सबने टेस्ट किया, सबने खाया। तो यहाँ पे मम्मी सब कुछ टेस्ट कर रही हैं, तो मम्मी को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ मैं मम्मी खाने लगे, फिर उसके बाद जो बर्तन थे उसे धोया। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट्स कीजिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा क्या करूँ जो सारे ब्लॉग से अलग लगे। थैंक यू।